हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ स्किन केयर वाइप्स के रिव्यू देने के लिए। हाँ, बहुत सारे स्किन केयर वाइप्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एपिलो लाइव रिफ्रेशिंग वेट वाइप्स लेमन की रिव्यू। देखिए, ऐसे ही है इसका पैकेजिंग और ये ऊपर में क्लेम किया है एल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो विंटर के टाइम हमें वाइप्स तो चाहिए स्किन को वाइप आउट करने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा सॉफ्ट, ये एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के साथ आते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमारे स्किन रहेगी मॉइस्चराइज, स्किन में ड्राइनेस फीलिंग्स एकदम भी नहीं आएगी। तो अभी बता देती हूँ इसका प्राइस। इसका प्राइस है बस 80 रुपीस और 30 वाइप्स आप लोगों को मिल रहे हैं बस 80 रुपीस में। तो ये मेरे हिसाब से एकदम पॉकेट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है और साथ ही साथ ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल हम सब लोग केमिकल से बहुत ही डरते हैं। हम लोग हर टाइम ट्राई करते हैं कि अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री कोई प्रोडक्ट सर्च करने की। तो वो है ये स्किन केयर वाइप्स। अभी बता देती हूँ स्किन केयर वाइप्स कैसे यूज करना चाहिए और क्या क्या यूजेस रहते हैं स्किन केयर वाइप्स के। अभी तो बाहर में धूल मिट्टी पॉल्यूशन एकदम बहुत ही बढ़ गए हैं, तो बाहर जाने के बाद हमारी स्किन हो जाते हैं बहुत ही डल, ड्राई और साथ ही साथ स्किन में पैची लुक आ जाते हैं। तो उस टाइम में हर टाइम फेस वॉश यूज करना बहुत दिक्कत की बात हो जाते हैं। तो उस टाइम में एक वाइप्स ले लीजिए और स्किन में जितना भी डर्ट, ऑयल, पॉल्यूशन है पूरा के पूरा वाइप आउट कर दीजिए, तो स्किन हो जाएगी रिफ्रेशिंग। और उसके बाद क्रीम भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से पूरा के पूरा क्रीम, डर्ट, ऑयल, पॉल्यूशन जो भी स्किन में है बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और सेकेंड, इसका यूज जो है, अगर आपके बाल हो गए हैं बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा और पार्टी के टाइम भी हो गए हैं, उस टाइम में शैम्पू करने के लिए जो टाइम चाहिए, जो जो चाहिए स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम में एक स्किन केयर वाइप्स ले लीजिए और ऐसे बस क्लीन कर लीजिए थोड़ा बहुत अपने स्कैल्प को। तो देखिए, पूरा के पूरा शाइनी बाल और साथ ही साथ एक ग्रेट लुक क्रिएट हो जाएगी। हाँ, ये सच है। और ये प्रोडक्ट को हम लोग बस फेस को नहीं, हैंड को भी वाइप करने में यूज कर सकती हो, हैंड सैनिटाइजर पैकिंग। तो उस टाइम में ये स्किन केयर वाइप्स से हैंड को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सच में हैंड को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के अंडरआर्म्स में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाते हैं, कई कबार इचिंग भी होते हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी एकदम नहाने के बाद एक स्किन केयर वाइप्स ले लीजिए और अंडरआर्म्स को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद डिओड्रेंट अप्लाई करके बाहर चले जाइए, तो अंडरआर्म्स में जितना सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं वो एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों के शूज़ पहनने के कारण भी बहुत ही गंदा स्मेल आते हैं, तो शूज़ पहनने के पहले स्किन केयर वाइप्स से एकदम पैर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद शूज़ पहन के पूरे दिन घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्किन केयर वाइप्स के बेस्ट जो पार्ट है, अगर आपने बच्चे हैं तो बच्चे बहुत सारा गंदा गंदा काम करते हैं, हाँ वो लोग तो शरारत करेंगे, लेकिन हर टाइम उन लोगों को सोप से या फिर बॉडी वॉश से क्लीन करना एकदम सेफ नहीं है। तो उस टाइम में आप लोग स्किन केयर वाइप्स से बच्चे को क्लीन कर दीजिए, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और साथ ही साथ जर्म्स भी आउट हो जाते हैं। और एक बेस्ट यूज़ है, वो है आपने मेकअप रिमूवर के टाइम, बहुत सारे टाइम मेकअप रिमूवर से रिमूव करने का वो ताकत नहीं रहते हैं, जैसे घर लौटते लौटते अगर देर हो जाए तो उस टाइम में हम लोग सोचती हूँ कि कुछ ईजी चाहिए जिससे हमारे मेकअप एकदम ईजीली वाइप आउट हो सकते हैं। तो उस टाइम में स्किन केयर वाइप्स ले लीजिए और स्किन को क्लीन कर दीजिए, पूरा के पूरा स्किन क्लीन हो जाते हैं। और ये स्किन केयर वाइप्स यूज करने से स्किन में पिंपल नहीं आते हैं, स्किन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सपल एंड ग्लोइंग। और ऊपर में क्लेम किया है एपोलो लाइफ रिफ्रेशिंग वाइप्स एंश्योर इफेक्टिव क्लींजिंग टू रिमूव डर्ट एंड एक्सेस ऑयल फ्रॉम द फेस। It gives a relaxing effect to the skin and also leave a lightening fragrance.
हाँ ये सच है, इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे टाइम बाहर जाने के कारण और बहुत सारे दिन काम करते करते थक जाती हूँ, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम में एक स्किन केयर वाइप्स ले लीजिए और स्किन को वाइप आउट कर दीजिए, तो उसके बाद देखिए एकदम रिफ्रेशिंग स्किन आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए ये स्किन केयर वाइप्स को अभी मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ। हाँ मैं आज मेकअप करके आई हूँ, तो ये मेकअप को ही मैं रिमूव करके दिखाऊंगी कि एपेलो लाइफ रिफ्रेशिंग वाइट वाइप्स एक बार यूज़ करने से मेकअप पूरा के पूरा रिमूव हो जाएगी और स्किन रहेगी हमारी सॉफ्ट सपल एंड ग्लोइंग। इसको एक वाइप्स को ले लीजिए, एक से पूरा के पूरा फेस क्लीन हो जाएगी और इसको फिर से ऐसे लॉक करके रख दीजिए। ट्रैवल करने का टाइम, बहुत सारे चीज़ हम लोग भूल जाती हूँ, लेकिन एक स्किन केयर वाइप्स के पैक बैग में रहने से पूरा के पूरा सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाते हैं। देखिए लिपस्टिक को एक बार में रिमूव कर दिया, तो समझ में आ गए है ना कि ये कैसे जल्दी काम करते हैं और ये पैराबिन फ्री, अल्कोहल फ्री, एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के साथ आते हैं। इसको जरूर एक बार अप्लाई कीजिए, आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे दिन ऐसे हो जाते हैं कि दिन भर काम करने के बाद, घर आने के बाद वो फेस वॉश करने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं, फेस वॉश, क्लींजर, तो उस टाइम में अगर टाइम एकदम नहीं है, इच्छा एकदम भी नहीं है, तो इससे वाइप आउट कर दीजिए स्किन को, उसके बाद नाइट क्रीम अप्लाई कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से स्किन क्लीन हो रहे हैं। और अभी मैं आईलाइनर को क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से आईलाइनर मस्कारा भी क्लीन हो गए हैं। देखिए देखिए इस साइड पे है, इस साइड पे नहीं है, पूरा के पूरा आ गए हैं। देख लीजिए पूरा के पूरा मेकअप को रिमूव कर दिया है एपेलो लाइफ रिफ्रेशिंग वेट वाइप्स लेमन। हाँ लेमन फ्रेग्रेंस को मैंने चूज किया है, इसका बहुत सारे फ्रेग्रेंस आते हैं लेकिन लेमन का फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत पसंद आते हैं, और इसका कमाल तो आप लोगों ने देख ही लिया, पूरा के पूरा मेकअप को रिमूव कर दिया। जैसे मेकअप रिमूवर आते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्राइस में, लेकिन ये 30 वाइप्स मिल रहे हैं बस 80 रुपीस में, और इसका यूजेस तो बहुत सारा है। तो यही रही मेरी आज की एपेलो लाइफ रिफ्रेशिंग विथ वाइप्स लेमन की रिव्यू प्लस डेमो। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे जाके ऐसे वीडियो रोज रोज देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।